हे गाइस आज है हम लोग बात करने वाले हैं कि सैलिस मार्नर में जॉर्ज इलियट कहना क्या चाहते हैं इनफैक्ट कहा जाए तो, तो इसका नोट्स कैसे बनेगा और आपके एग्जाम में जो ये इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए तो हाउ विल यू डिफाइन डेयर एंड हाउ यू राइट डेयर टू डे बी आव लर्निंग सो विदाउट डिले वी स्टार्ट सैलिस मार्नर इज ए नॉवेल बाय जॉर्ज इलियट सैलिस मार्नर जो है एक नॉवल है जो कि जॉर्ज इलियट के द्वारा लिखा गया द फुल नेम ऑफ इलियट इज मैरी एंड इवेंट्स एलियट का फुल नेम जो है ना वो है मैरी एंड इवेंट्स ये बार बार रिपीट होता है आपके ऑब्जेक्टिव में वाज एंड इंग्लिश नॉवेलिस्ट वो जो रहती है वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट रहती है पोइट रहती है जर्नलिस्ट रहती है ट्रांसलेटर रहती है एंड वन ऑफ द लीडिंग राइटर्स ऑफ द विक्टोरियन इरा और विक्टोरियन इरा की एक मतलब खास करके लीडिंग राइटर उनको माना गया है She was born in 1819, United Kingdom. उनका जन्म एटीन में हुआ था एंड डैड इन एटीन एटी और उनकी मृत्यु में हुई थी लंदन यूनाट द पैराग्राफ सी रोट सेवन नॉवेल्स एंड इन अमंग ऑफ दैम सैलिस मार्नर इज अ पॉपुलर नॉवल उन्होंने सेवन नॉवल्स लिखा जिसमें की पॉपुलर नॉवल जो है एक उन सेवन में से कोई एक है सेलिस मार्नर सी विकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश फोर नॉवलिस्ट ऑफ द नाइनटीन सेंचुरी अलॉन्ग विथ चार्ल्स डिकेंस चार्ल्स डिकेन्न के साथ आ, साथ साथ उनको भी नाइनटीन सेंचुरी का ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट माना गया है मैरी एन इवेंट्स नोन बाय हर पेन नेम जॉर्ज एलियट मैरी एन इवेंट्स को उसके पेन उनका जो पेन था ना उसके नाम से भी जाना जाता है जॉर्ज इलियट सैलिस मार्नर बास पब्लिश इन 1861 और सैलिस मार्नर जो पब्लिश हुआ था वो 1861 में हुआ था द नावल रीजन देखिए ये जो नॉवल है ना सालिस मार्नर वो बहुत सारे रीजन की वजह से पॉपुलर हुआ इट इज अवल एज वेल एज कंट्रैक्टेड नॉवल डील्स विथ अ शॉर्ट स्टोरी विथ इज वेरी इंटरेस्टिंग ये जो नॉवल है सालिस मार्नर उसको वो एक सोशल नॉवल है उसके साथ साथ कंट्रैक्टेड uh, करता है वो नॉवल्स शॉर्ट स्टोरी के साथ इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना एंड कम्प्लीट मीनिंगफुल द नावल टू फोर मंथ्स ऑफ जॉर्ज एलियट टू राइट डैम वॉज सक्सेसफुली पब्लिश इन एटीन सिक्सटी वन मतलब जॉर्ज एलियत को जो, जो लिखा गया ना वो फोर मंथ लगे इस वाले पोएम को लिखने के लिए आफ्टर डेट वो सक्सेसफुल हो गया एटीन सिक्सटी वन में उसके बाद आप पैराग्राफ चेंज करेंगे द स्टोरी स्टार्ट विद सेलिस मानर हु इज़ पुअर क्लोथ वेवर लिव्स इन लैटर्न यार्ड Along with his close friend William फ्रेंड Marner, always maintain a happy life. ये जो story start होती है ना वो एक cloth weaver के साथ होती है जो कि Lantern Yard में रहते हैं और अपने फ्रेंड के साथ विलियम डैन के साथ रहा करते हैं और बहुत अच्छी लाइफ जी रहे होते हैं एंड ही वर्क हार्ड सो ही रेस्पेक्टेड एंड बिलीव्ड बाई एवरी वन इन लंडन यार्ड लंटन यार्ड में उनका बहुत नाम होता है बहुत रेस्पेक्ट माना गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करते हैं ही लवर्स अफ ब्यूटीफुल गर्ल सारा इसकी जो बहुत सुंदर लड़की सरा रहती है प्यार करते हैं William Dan is also taking interest in Sarah, और विलियम डेन जो कि मार्नर के एक फ्रेंड रहते हैं वो भी सरा को पसंद करते हैं उसमें इंटरेस्ट रखते हैं सैलिस मार्नर एंड डैन आर द मेम्बर्स ऑफ स्मॉल रिलीजियन कम्युनिटी और सालिस मार्नर और डैन जो थे वो एक रिलीजियन कम्युनिटी के एक स्मॉल मेंबर्स थे मतलब वो दोनों उसमें भी इंक्लूड थे डैन वान सरा वुड लव हिम वंस द रिलीजियन कम्युनिटी स्कूल्स और द मेंबर्स टू अपेयर इन अ मीटिंग डैन चाहते थे कि सरा भी उसके कम्युनिटी में इन्वॉल्व uh, हो उसके हर एक वर्क में इन्वॉल्व हो बिकॉज अ लिटिल मनी हैज़ बिन लॉस्ट फ्रॉम द क्लब एंड मार्नर हैज बिन चेंज टू टेक मनी वो इसलिए ऐसा चाहते थे क्योंकि कुछ रुपीज जो है ना वो लॉस्ट हो गया था क्लब से और मार्नर इस चीज को चेंज करना चाहते थे कि कैसे वो रिटर्न वापस आ सके ही इज वेरी सॉक्ट एट दिस चार्ज एंड एंडाइड टू लिव वो बहुत शॉक हो गए कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि पेमेंट चोरी हो गया या फिर खो गया जो भी कहा जाए लेकिन वो उनसे खो गया तो वो डिसाइड किए कि वो छोड़ देंगे उसको लेंटर यार्ड लेंटर यार्ड को उन्होंने छोड़ने का फैसला लिया लॉसिंग फैट इन मैन एंड गॉड और वो धीरे धीरे करके विश्वास खोते गए मनुष्य में भी और गॉड में भी He was betrayed by his हीज बेसम फ्रैम विलियम डैन और ये वजह क्या हुआ William Dan डैन William Dan, uh, Dan को ये दोषी सराहने लगे बाय चेंजिंग द क्राइम ऑफ थीप सरा also breaks her relationship with मार्नर और ये सुन करके वो जो सराह uh, थी रिलेशन तोड़ दी मार्नर के साथ Because of his uh, change चेंज is a helpless गाय एंड सेटल्स हमसेल्फ इन रेव्यूर एंड लीडिंगज़ लाइफ अफ टायर्ड मैन ही हिमसेल्फ एज वेरी अपसेड उनका बिहेवियर उनका थाउट हर चीज़ में चेंज आ गया जैसे वो हार्ड वर्क करते थे वो सारा चीज छोड़ दिए एज वेल एज उनका बिहेवियर टोटली चेंज हो गया जिसके वजह से शराबी उसके साथ रहना छोड़ दिए उसका साथ देना छोड़ दिया आप देट वो वहाँ से चले गए रेवेलॉ में वो चले गए अपना लाइफ बिताने के लिए और टायर्ड मैन की तरह अपना लाइफ जाते और दिन भर अपसेड ही रहते थे ऑन द अदर साइड और दूसरे साइड टू तो ब्रदर्स लिव इन रेबेलो और रेबेलो में दो भाई रहा करते थे देर फादर इज अल और उसके फादर जो थे एक लोकर स्क्वायर थे आर वेल ऑफ फ्रांसियल बट द यंगेस्ट डेम्बलर ड्रांक वाइल दस से गॉड नेज सेक्रेट वाइफ हु इज एन ओपिनियम एडिकेट देखिए अब बात करते हैं रिबर लॉ की वहां पे दो भाई रहा करते थे जिनके फादर कुछ खास इनकम नहीं कमा पाते थे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती थी उनको आफ्टर देर जो बड़ा भाई था वो हमेशा ड्रंक में रहता था इधर उधर घूमते फिरते रहता था लेकिन जो छोटा था गॉड ने उसकी एक सीक्रेट वाइफ थी मे बी वो हाइड करके रखे हो अपना रिलेशनशिप वन डे डन स्टिल से सैलेस गोल्ड एंड ही रन अवे नेवर टू बी सीन अगेन एक दिन क्या होता है डनसटन जो होते हैं ना वो सैलेस के गोल्ड को चुरा लेते हैं और वो वहां से जो भाग गए रहते हैं उसके बाद दोबारा दिखते ही नहीं है सैलिस इज मॉर्निंग एंड द लॉस ऑफ हिज ओनली फ्रेंड अब वो उन्हें लगता है कि बस मेरा एक फ्रेंड ही काम कर सकता है और बाकी कोई नहीं हिज गोल्ड मॉली और वो जो गोल्ड है वो मॉली ही कर सकती है वंस गॉड फ्रेड उट अलॉन्केंड uh, भाई की जो वाइफ uh, होती है वो बाहर आती है वे टू है वो क्या करती है ना मतलब अपने रास्ते में बहुत ज्यादा थक जाती है तो वो रुक जाती है और थोड़ा देर uh, लेटी रहती है मतलब रिलैक्स करती है रेस्ट करती है द वन ईयर गर्ल वांडर सवे द सीट रिच in इन सैलिस हाउस सैलिस टेक्स केयर ऑफ लिटिल and एंड he ही her mother मदर डैड सेलिस मार्नर के घर वो मतलब वो वन ईयर की रहती है तो वो घूमते घूमते सैलिस मार्नर के घर आ जाती है क्योंकि सैलिस मार्नर का घर उन्हीं के बगल में ही था थोड़ा दूर पड़ रहा था आपने जब वो उसके घर आ जाती है तो ये चारों बगल देखते हैं लेकिन कोई नहीं मिलता इनको तो वो उसे रखना स्टार्ट कर देते हैं और ठंड बहुत ज़्यादा रहता है जिसकी वजह से उसकी मम्मी डेड कर जाती है वहाँ पर रास्ते पर ही

और दूसरी जरा जो गॉड ब्लेस हो जाते हैं वो उन्होंने शादी करने से इनकार कर देता है और अपने फ्रेंड के सामने से ये मानने के लिए कि इसकी वाइफ है ही नहीं मतलब जो सीक्रेट वाइफ रखी रखा गया था ना वो उसको रिफ्यूज कर देता है कि तुम मेरी वाइफ हो ही नहीं और क्या प्रूफ है लाइक दैट द एराइवल्स ऑफ एपी इन सैलिस लाइफ क्रिएट्स अ न्यू इंटरेस्ट तो एपी का जो सेलिस मार्नर के लाइफ में आई ना तो एक एक इंटरेस्टिंग लाइफ बन गया उनका ही लव्स हर एज फादर लव से हिस्स डॉटर वो ऐसे उसके साथ ट्रेड बिहेवियर करते थे और लफ्स करते थे जैसे एक फादर अपनी बेटी के साथ करते हैं हिज वन आम मैटो इज टू प्लीज एपी एपी ग्रोज इन टू अ प्रिटी गर्ल ऑफ एटीन ईयर्स ओल्ड और धीरे धीरे करके वो बहुत बड़ी हो गई जो कि एटीन ईयर्स की अब हो चुकी थी और बहुत सुंदर थी वो सी फॉल इन लव विथ आरुण और वो मतलब आरुण के साथ प्यार में पड़ती है द सन ऑफ डॉली विंस्टॉप द नाइवर ऑफ मारनर मारनर की एक नाइवर होती है जो जिनका नाम होता है डोली विंस्टॉप उनके साथ उनके बेटे के साथ उनसे लव होता है हु ऑल्सो लव्स एप्पी और वो भी एप्पी से प्यार करता है थ्रो मारनर डज नॉट लाइक एरोन और लेकिन मारनर जो है ना उसको आरोन बिल्कुल पसंद नहीं होता है बिकॉज एरोन डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन एनी वर्क क्योंकि वो कोई काम नहीं करता है ऐसे ही अपना टाइम लॉस या फिर कोई वर्क ना करना ऐसे ही घूमना इस वजह से उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं रहता वंस गॉडफरे कैप टू रिवलेट विध टू सर्च इन हिज डॉटर और एक बार क्या होता है गॉडफ्रे अपनी uh, बेटी को ढूंढते ढूंढते जब आता है वेन ही कम्स टू नो दैट एपी इज हिज ऑन वाइफ नैंसी कैप टू ब्रिंग देयर डॉटर टू देयर ओन होम गॉडफ्रे को जब पता चलता है की उसकी बेटी अभी तक जिंदा है और वो कहीं गई नहीं है बल्कि मार्नर के घर पे ही है एपी जो है वो और उसकी उनकी वाइफ नैंसी की बेटी ही है बट एप ही इज़ नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू फ्रेंड रिलेशनशिप लेकिन वो उसके फ्रेंड को रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करती है मतलब वो उनसे बातचीत करते हैं लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं करती है उनसे बात करना या फिर उनके साथ जाना सी प्रिपेयर्स टू लिव विद सैलिस मानर हु बस फादर हर ऑल दिस ईयर्स और वो कहती है कि सैलिस मार्नर ही मेरे फादर हैं क्योंकि जब से मैंने आ, जब से मैंने स्टार्ट किया है अपना लाइफ तब से एक ही मेरे फादर और एक ही मेरी दुनिया है वो है मेरे पापा सैलिस मानर सैलिस इज वेरी प्लेस विथ ऐपी और सैलिस एप्पी के साथ बहुत खुश रहते हैं एंड ही मैरिज विथ ऐपी टू एरोन और फिर उस एप्पी का शादी एरोन के साथ करा दिया जाता है सैलिस लिव्स विथ ऐपी एंड एरोन हैप्पली और सैलिस ऐपी और एरोन के साथ बहुत अच्छे तरीके से अपना लाइफ गुजारता है इसमें दो स्टोरी क्रिएट किया गया है और ये बताया गया है कि सैलिस मार्नर की लाइफ कैसे चेंजेस होती है और क्या सोचा गया था कैसे थे वो आफ्टर डेट कैसे हुए क्या चीजें चेंजेस हुई उनके लाइफ में इसका नोट से मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन मी ऑन कमेंट बॉक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल मीट यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक